बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू असाबा, असाबा शकीका माइग्रेन के उल्ट होता है। ये सर के दाएं हिस्से, दाएं आंख और दाएं रुखसार कान तक इसका एहसास होता है, लेकिन आंख के ऊपर इस मकाम पर इसकी शिद्दत ज़्यादा हुआ करती है। ये असाबी गुदी असाबी अजलाती तक की तहरीक का मज़र है। यह होता असाबी गुदी में है। ग्रुप के एतबार से ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव लोगों को लाहक होने वाली अलामत है। सफ़ेद गंदमी लोगों को ये लाहक होने वाली अलामत है कि शिद्दत सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादा होती है, दोपहर को अफाका होता है। अगर गलती से चने, पालक, करेले, चूँगा और दीगर कोई सर्द खुश्क या गर्म खुश्क अशिया इस्तेमाल कर ली जाए तो अफाका हो जाता है। अगर गलती से असाबी गुदी या असाबी अजलाती अशिया इस्तेमाल कर ली जाए तो इसकी अलामात में इजाफा हो जाता है। ये दर्द इस कदर ज़्यादा होता है कि बंदे को होश ही नहीं होती। सर के शदीद दर्द की वजह से वो ऊद मूद पड़ा होता है। इसकी ज़बान कुशादा होती है, बड़ी होती है, सफ़ेद होती है। इसकी आँखों के अंदर नील गूँ या सफ़ेद डोरे होते हैं। ज़बान पुर होती है और आवाज़ जो होती है वो शीरी होती है और धीरी होती है। पेशाब का रंग सफ़ेद पानी की तरह होता है और मकदार में ज़्यादा आता है। जब इसकी शिद्दत इंतहा को पहुँचे तो आज खुद पेशाब निकल जाता है और मरीज़ को पता तक नहीं चलता। इसका पेशाब बिल्कुल पानी की मानद होता है। इसके अलावा जब कभी कोई गर्म खुश्क चीज़ या खुश्क गर्म चीज़ या खुश्क सर्द चीज़ इस्तेमाल कर ली जाए तो इसकी अलामात में तख़फ़ीफ़ भी हो जाया करती है। इसका इलाज मुआलजा अजलाती असाबी मुसल एक बेहतरीन दवा है। इसका नुस्खा भी नोट फरमा लें। सबसे पहली चीज़ है मगज़े करंजवा एक तोला, पोस्त आमला एक तोला, दोनों को मानद सुरमा बारीक कर लें। उसके दरमियान में दो गुना शब यवानी शगुफ्ता मिला के मज़ीद खरल करें और इसके बाद इसके अंदर चार तोले हलीला स्या बिरियाँ मिलाएं और खरल करते जाएं। आखिर में जिलाबा हरर पाँच तोला इसके बीच में शामिल करके बारीक पीस लें और एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम एक कैप्सूल देने से 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अफाका होना शुरू हो जाएगा और एक घंटे के अंदर अंदर मरीज़ चीखो पुकार से रुक जाएगा। जब पेचस आ जाएं तो उसके बाद मुलैन दो और फिर शदीद और आहिस्ता आहिस्ता मुहरक पे ला के इसको ख़त्म कर दें। इंशाल्लाह ताहियात ये दर्द नहीं होगा। औरतों में इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है और मर्दों में ये खिफत से साथ पाया जाता है। वस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।